नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर के फिर से एक नए और एक्साइटेड वीडियो में। इस वीडियो में बताऊंगा कि दोस्तों इंडियन कोस्ट का रिक्रूटमेंट भर्ती 2021 के बारे में बताऊंगा। उससे पहले वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। उससे पहले जरूरी आपके लिए, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं दोस्तों और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल को, तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को दोस्तों, और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन की, क्योंकि उससे गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो इस भर्ती की डिटेल्स और लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसमें विजिट करके आप इस भर्ती की ऑफिशियल PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये जो भर्ती है दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती यानी कि ICG भर्ती 2020 है दोस्तों, जो कि भारतीय तटरक्षक विभाग की तरफ से भर्ती है दोस्तों। पोस्ट की नाम है दोस्तों नेवी यांत्रिक की भर्ती है दोस्तों। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 20 में वैकेंसी है दोस्तों, 358 पोस्ट, जिसमें कि नाभिक GD यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए 260 पोस्ट है, और नाभिक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 50 पोस्ट है, और यांत्रिक के लिए 48 पोस्ट है दोस्तों। अगर इसमें हम पे सैलरी की बात करें तो दोस्तों नाभिक के लिए इसमें आपको सैलरी मिलेगी 21,700 रुपये आपको सैलरी मिल जाएगी दोस्तों, और जो यांत्रिक के लिए 29,200 रुपये आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी दोस्तों। अगर बात करें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों नाभिक के लिए, नाभिक GD के लिए दोस्तों 12वीं पास होना आपका अनिवार्य है, और नाभिक DV के लिए यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है दोस्तों। अगर बात करें तो इसमें एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट होना चाहिए नाभिक GT यांत्रिक के लिए जो होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ दोस्तों 1 अगस्त 1949 से लेकर 31 जुलाई 2003 के बीच जो पैदा हुए इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और नाभिक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 1 अक्टूबर 1919 से लेकर 30 सितंबर 2003 वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अदर जनरल EWS OBC की डिग्री के लिए तो 250 रुपये इसमें लगेंगे दोस्तों, और SST के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगेगा दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों पहले रिटर्न एग्जाम होगा दोस्तों, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट आपको आपको बुलाया जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिजिकल की बात करें तो हाइट इसमें होना चाहिए दोस्तों 157 सेंटीमीटर आपका हाइट है, तो इसमें आप अप्लाई आप कर सकते हैं, और इसमें आपको रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की, जो कि आपकी 7 मिनट में आपको क्वालिफाई करना होगा, और उठक बैठक होगा 20 उठक बैठक होगा, और पुशअप 10 इसमें आपको लगाना पड़ेंगे, तो अब आप इसमें क्वालिफाई कर सकेंगे फिजिकल में दोस्तों। अप्लाई मोड की बात करें तो ऑनलाइन के जरिए इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जो जॉब लोकेशन की बात करें ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो इसमें दो वेबसाइट है दोस्तों, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड GOV.IN या ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड CDAC.IN पर विजिट करके इसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स पर ऑनलाइन की बात करें तो स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन की बात करें तो 5 जनवरी 2021 से लेकर लास्ट डेट होगा दोस्तों 19 जनवरी 2021 का, इसमें आप आवेदन कर सकेंगे ऑनलाइन के जरिए दोस्तों। तो इसमें इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसकी पूरी जानकारी इसमें ले सकते हैं, या इन सरकारी सरकारी नौकरी की भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, विजिट करके इसकी पूरी आप जानकारी ले सकते हैं। तो यही थी मेरी वीडियो की जानकारी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम मेरी वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली के और दोस्तों के पास शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं कीजिए अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन, क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए हर पल लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।